On your screen, you will notice this slide of which says measure of closeness of fit. We will ultimately understand that this closeness of fit is nothing but it is a measure of correlation. पता है कि जो regression equation होती है उसका form ऐसा होता है. इसको हम y hat के terms में भी लिखते हैं. यहाँ पे इन्होंने y c लिखा हुआ है, so it is more or less the same thing. You can write it as y hat or y c. It's one and the same thing. So it gives you a summary relationship between y and given x, but it does not measure the strength of the relationship. So this line जो हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में समझी थी कि इसको कैसे फिट करते हैं, ये लाइन सिर्फ हमें ये बताती है, इट गिव्स यू अ समरी मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड गिवन एक्स, बट इट डज नॉट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप विल बी अंडरस्टूड बाय हाउ वेल द लाइन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप और हाउ क्लोज द पॉइंट्स क्लस्टर अबव द लाइन. सो बेसिकली इफ यू रिमेम्बर द स्कैटर डायग्राम जो हम बनाते हैं कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल होता है, यहाँ पे y वेरिएबल होता है, एंड यू हैव मल्टीपल पॉइंट्स हियर, राइट? एंड बिकॉज देर आर सो मेनी पॉइंट्स, वी कांट एनालाइज दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली. हम रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं. सो से आपने एक रिग्रेशन लाइन फिट करी ऐसी, से आपने एक रिग्रेशन लाइन फिट करी ऐसी. नाउ ये रिलेशनशिप आपको बता रहा है, ये जो लाइन है ये बेसिकली आपको रिलेशनशिप बता रही है एक्स और वाई के बीच में, लेकिन ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है और रिलेशनशिप कितना एक्यूरेट है ये कैसे पता लगेगा? अगर ये जो पॉइंट्स हैं, जो ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पता है ये जो हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं, तो अगर ये डेटा पॉइंट्स इस लाइन के काफी क्लोज लाए करेंगे, then we can say that this relationship is strong, this relationship is more accurate. Why accurate? Because you are saying ki jo error hai for each observation, the error is as less as possible. So how accurate or how strong is the relationship between x and y, that will be understood by how close these points are clustered around this line. Aur ye cheez hum kaise pata laga sakte hain? हम इसको पता लगा सकते हैं कि हर ऑब्जर्वेशन, हर y वैल्यू जो है वो कितना वेरी कर रही है. ये जो y ऑब्जर्वेशंस हैं ये बेसिकली y वैल्यूज और x वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स हैं, और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे n ऑब्जर्वेशंस हैं तो y में कितना वेरिएशन है, y में कितने चेंजेस आ रहे हैं, वो किससे पता लगेगा? बाय दिस इंडिकेटर, which is what summation y minus y bar square. y bar यहाँ पे represent करता है average of y. Since y is our dependent variable, तो हम y में variation समझ रहे हैं यहाँ पे कि y में क्यों changes आ रहे हैं. And definitely y different है यहाँ पे क्योंकि different different points आपको मिल रहे हैं. तो आप क्या करोगे कि इन सारे y values का average निकालोगे जिसको आप बोल रहे हो y bar, और हर y वैल्यू को इस एवरेज से सब्ट्रैक्ट करोगे. दिस इज लाइक सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस दैट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट यूनिट्स. तो आप हर y वैल्यू को उसके y हैट y बार से सब्ट्रैक्ट करोगे और इसको स्क्वायर कर दोगे, एंड देन यू विल टेक अ सम ऑफ दिस. स्क्वायर किस लिए करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि समेशन वाई माइनस वाई बार जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, इसलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं. तो ये जो मेजर है ये बेसिकली आपको बताएगा कि वाई में कितना वेरिएशन हो रहा है. लेकिन हमें ये पता है कि ये जो वाई का वेरिएशन है, सम ऑफ दिस वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ एक्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ आई से इफ आई give you the same example as yesterday's, जिसमें हमने x और y की बात करी थी, जहां पे y था weight of son और x था weight of father. तो हम अगर बोलें कि weight of son, मैं अगर यहाँ पे 10 observations के data लिखूं यहाँ पे, then each of these 10 observations could be different from each other. हर हर son का weight अलग हो सकता है.
है, किसी का 50 किलोग्राम, 60, 70, 80 एंड सो ऑन. सो एवरी ऑब्जर्वेशन विल हैव अ डिफरेंट वाई वैल्यू. सो देर विल बी सम वेरिएशन इन द वाई वैल्यू विच विल बी अंडरस्टूड बाय दिस मेजर. बट वॉट वी आर सेइंग हियर इज दैट कि ये जो वाई वैल्यूज आपस में डिफरेंट हैं, इसका एक रीजन ये है क्योंकि एक्स डिफरेंट है. जब हम एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप समझ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वाई में जो वेरिएशन आ रहा है, वाई में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज एक्स से एक्सप्लेन हो रहा है. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वाईज एंड द एक्सेस वर क्वाइट परफेक्ट सो दैट अ पर्टिकुलर वाई इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्स, ऑल द वेरिएबिलिटी ऑफ वाई वुड बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस रिलेशनशिप. अगेन एन इम्पॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेस and y's were quite perfect so that a particular y is always associated with a particular x, all the variability of the y's would be explained by the relationship. Now what we are saying here is ki agar hamara jo ye relationship hai ye ek exact relationship hota, jiska kya matlab hai, jiska matlab hai ki agar ek y value हमेशा एक पर्टिकुलर एक्स वैल्यू से अटैच्ड होती, जिसका मतलब है जैसे सपोज अगर किसी सन का वेट है 60, तो देयर विल बी वन पॉइंट हियर, राइट. नाउ वी आर सेइंग दैट इफ दिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्स, लेट्स से दिस इज 40, देन वी कैन से कि जिस भी सन का वेट होगा 60, उसके फादर का वेट होगा 40, राइट. बट दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड एज एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप. वाई? बिकॉज वी नो कि जब भी एक्स की वैल्यू 40 होगी तो वाई की वैल्यू 60 होगी, जिसकी वजह से जो रिग्रेशन लाइन आएगी उसमें आप देखोगे कि जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई करेंगे, जिसका मतलब है कि y में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ x की वजह से हो रहे हैं. बट ऐसा हमारे केस में नहीं होता है. जब हम रिग्रेशन बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो हमें पता है कि जो रिलेशनशिप होता है वो एक स्टोकेस्टिक रिलेशनशिप होता है, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विच इज कि एक स्पेसिफिक y वैल्यू के लिए डिफरेंट x वैल्यूज हो सकती हैं. सो सपोज y हियर इज 60, इट इज पॉसिबल बोल कि एक बच्चा जिसका वेट है 60, उसके फादर का वेट है 40. अनदर किड हुज वेट इज 60, इट इज पॉसिबल दैट हिज फादर्स वेट इज आल्सो 60. सो देयर कुड बी अनदर एक्स वैल्यू अटैच टू द सेम वाई वैल्यू. अनदर पॉसिबल पॉइंट इज कि जिस बच्चे का वेट है 60, उसके फादर का वेट है 80. सो यू कैन हैव मल्टीपल एक्स वैल्यूज फॉर द सेम वाई वैल्यू, एंड दैट इज वाई हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन बनकर आता है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है. और हम ये नहीं बोल सकते कि वाई में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस, वो पूरा चेंज एक्स से एक्सप्लेन होता है. लेकिन डेफिनेटली देयर विल बी सम परसेंटेज ऑफ चेंज इन द वाई ऑब्जर्वेशंस दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एक्स. तो बेसिकली हम बोल रहे हैं बिकॉज एक्स चेंज हो रहा है, बिकॉज some x 40, some is 60, some is 80, that is leading to changes in y value, that is related with changes in y value. But not all the changes in y values would be explained by the changes in x values, which can be better understood with the help of this graph. So if you look at this figure here, you will notice that this is the x axis, x variable यहाँ पे plot है, यहाँ पे y variable plotted है, और हमने एक point यहाँ पे लिया है which is this point. ये एक observation है, एक data point है, जिसकी x value है ये xi और y value है ये yi. यहाँ पे आप notice करोगे कि हमने y का average भी लिया हुआ है which is y bar, x का average भी लिया हुआ है which is x bar. नाउ यहाँ पे एक चीज याद करनी जरूरी है आपको, और ये नोट करके रखो कि रिग्रेशन लाइन जो होती है वो हमेशा इस पॉइंट से पास करेगी.
which is the intersection of x bar and y bar. So this is the regression line. ये जो यहाँ पे line बनकर आ रही है, if you notice यहाँ पे और भी data points हैं. हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया है जिसको एक डेटा पॉइंट लिया है जिसका एग्जाम्पल लेके हम इस रिग्रेशन इक्वेशन को समझेंगे. सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिमेंबर दिस फैक्ट दैट दिस रिग्रेशन इक्वेशन विल ऑलवेज पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स बार एंड वाई बार. नाउ इफ यू लुक एट दिस पॉइंट हियर व्हिच इज एक्स आई वाई आई, दिस इज सम ऑब्जर्वेशन एक्स आई वाई आई, यू विल नोटिस कि इस पॉइंट के लिए जो रिग्रेशन एस्टिमेट कर रहा है, जो रिग्रेशन फोरकास्ट कर रहा है वैल्यू, वो है ये वैल्यू. अगर मैं एक्स आई रिग्रेशन इक्वेशन में एक्स की वैल्यू एक्स आई के इक्वल पुट करती हूं तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू विच इज रिटन एज वाई सी हियर, राइट. बट द एक्चुअल वाई वैल्यू इज दिस वैल्यू. Now, if I have to understand the variance of y here, then मैंने अभी last slide में बोला कि हम कैसे करते हैं, हर y value को उसके mean से subtract करते हैं. So y minus the mean of y value. यहां हमें पता है कि average क्या है, ये वाली line. तो total difference कितना आएगा, total difference will be this much. ये जो यहां पे explain हो रहा है, which is called as the total deviation. So yi minus y bar is the total deviation. ये point अपने average से इतना दूर है. इसका कुछ percentage जो है, that is explained by the regression line. That is the deviation explained by the x value, which is how much? Only this much. अपने mean से ये point इतना दूर है, उसका सिर्फ इतना परसेंटेज जो है वो एक्स एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन कर रही है. बाकी का जो डिफरेंस है, विच इज रिग्रेशन लाइन वाला पॉइंट और ये जो एक्चुअल पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिग्रेशन लाइन, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, देन वाई शुड बी दिस वैल्यू, which is y c here. यहां पे हम इस पॉइंट को y c बोल रहे हैं. So if x is equal to x i, then y should be equal to y c. So this is the difference that is explained by the regression line. But the actual difference is this much. अपने mean से y value इतना दूर है. So ये जो बाकी का जो left out amount है, which is this amount, that is not explained by the regression line. So if I can make this into a different color, this red part here represents the deviation of y from its mean value that is not explained by the regression. Whereas this part, the black part here, represents the deviation from the mean value which is explained by the regression. तो हम बेसिकली इस टोटल पार्ट को, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ लास्ट लाइन जो यहाँ पे लिखी है, इस टोटल डिविएशन को, विच इज वाई आई माइनस वाई बार के टोटल डिविएशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिग्रेशन वाई और द फिटेड वैल्यू ऑफ वाई एंड द एवरेज वाई बार. So the first is this difference, this black line here, which is the difference between the fitted value of y and the average value or the mean value of y. And the red part represents the difference between the fitted value, difference between the actual value of y and the fitted value of y, जिसको हम error भी बोलते हैं. If you remember, this is also called as the error. तो हम इसको लिख सकते हैं ई आई. सो आई कैन से दैट द टोटल डिविएशन विच इज वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू वाई सी माइनस वाई बार, विच इज दिस ब्लैक सेगमेंट हेयर, एंड द एरर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज वाई आई माइनस वाई सी. सो दिस कैन बी रिटन एज वाई सी माइनस वाई बार, which is the explained part.
डिविएशन का वो पार्ट जो रिग्रेशन एक्सप्लेन कर रहा है या जो एक्स वैल्यू एक्सप्लेन कर रही है, एंड द सेकेंड पार्ट इज द एरर पार्ट विच इज वाई आई माइनस वाई सी. अगर इन ब्रैकेट्स को एक्चुअली आप ओपन करो तो आप नोटिस करोगे कि ये वाई सी और ये वाई सी कैंसिल हो जाएगा और देन आपको राइट हैंड साइड पे वही सेम टर्म मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो हम बेसिकली बोलते हैं कि किसी भी y ऑब्जर्वेशन का जो डिविएशन है अपने एवरेज से, दैट कैन बी ब्रोकन, दैट कैन बी डिसएग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन. द सेकेंड पार्ट इज दिस पार्ट विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन. वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हमने अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में देखा था कि दिस इज द मेजर विच टेल्स यू अबाउट द वेरिएशंस इन वाई आई वैल्यूज, विच इज की वाई आई वैल्यूज आपस में कैसे वेरी करती हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर से, कि ऑब्जर्वेशन जो हैं वो अपने एवरेज से कितनी दूर है वो हमें इस मेजर से पता लगेगा. एंड इन द प्रीवियस स्लाइड हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड करा है विच इज वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू वाई आई इज इक्वल टू वाई बार माइनस वाई सी प्लस वाई आई माइनस वाई बार. सो दिस इज दिस रिलेशनशिप दैट वी हैड एस्टैब्लिश्ड इन द लास्ट इक्वेशन लास्ट स्लाइड, वी विल यूज दिस टू अंडरस्टैंड दिस टर्म. हम बेसिकली इस इक्वेशन को यूज करके इस टर्म को ब्रेक करेंगे एंड देन वी विल अल्टीमेटली डिराइव अ फॉर्मूला फॉर कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन. सो नाउ वट वी आर डूइंग हियर इज कि हम दोनों साइड इक्वेशन जो हमने लास्ट इक्वेशन अभी देखी है उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं इक्वेशन को और इक्वेशन को एग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हैं और इक्वेशन को सम कर रहे हैं. तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे था वाई आई माइनस वाई बार, हमने वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर करा और उसको सम करा. राइट साइड पे क्या था, राइट साइड पे थे हमारे पास दो टर्म्स, एक था आई सी माइनस वाई बार और एक था एरर टर्म. तो हम यहाँ पे बेसिकली जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है एल्जेब्रिक ए प्लस बी होल स्क्वायर उसको लगा रहे हैं, जिसमें हमने पहले ए का होल स्क्वायर करा उसको सम करा और ए यहाँ पे ये वाला टर्म है, बी यहाँ पे एरर टर्म है. तो हमने ए स्क्वायर करा देन बी स्क्वायर करा एंड देन टू इंटू ए प्लस ए टू इंटू ए इंटू बी करा है. तो ये बेसिकली हमने एक्सपैंड करी है प्रीवियस इक्वेशन और इसको इस तरीके से लिखा है. रिमेंबर कि ये जो टर्म है ये हमें क्या बताता है, टोटल डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स एवरेज पॉइंट, और इसी को हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे अपने कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन के डेफिनेशन में. तो ये हमने बात करी थी, हम टोटल वेरिएंस और टोटल डिविएशन बताता है डेटा का. नाउ सिंस वाई सी माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, हम यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं और हम स्पेसिफिकली इस टर्म की बात कर रहे हैं. तो अब हम इस टर्म को अलग से देख रहे हैं कि इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ देखोगे टू सिग्मा वाई सी माइनस वाई बार इंटू ई आई इज इक्वल टू, हमने इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करा है विच इज वाई सी माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार. ये एक इक्वेशन है जो रिग्रेशन के लिए होल्ड ट्रू करेगी विच इज वाई सी माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार. ये कहां से आती है इसके लिए थोड़े डेरिवेशन करने पड़ेंगे जो कि हम इस कोर्स में नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर दैट दिस इज एन इक्वेशन दैट विल होल्ड ट्रू फॉर द रिग्रेशन. सो वी आर जस्ट सब्सटीट्यूटिंग वाई सी माइनस वाई बार की जगह पे हम यहाँ पे ये बी एक्स माइनस एक्स बार लिख रहे हैं जो हमने यहाँ लिखा, और फिर हम इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई इंटू ई आई माइनस एक्स बार समेशन ई आई. तो हमने समेशन जो है ये साइन इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेके गए हैं और हमने ई आई को ओपन करा है ब्रैकेट के साथ, तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है. नाउ वी नो दैट दिस टर्म विच इज समेशन ई आई दिस इज इक्वल टू जीरो,
ये हमें पता है कि जब हम एरर का सम करते हैं तो जो भी पॉजिटिव डिविएशन होती है वो नेगेटिव डिविएशन को कैंसिल करती है और हमें जो ओवरऑल सम मिलता है वो जीरो मिलता है. इट कैन बी शोन दैट समेशन एक्स आई इंटू ई आई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. ये एक रिग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम बोलते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि एक्स वेरिएबल्स हैं, उनका जो कोरिलेशन होता है एरर टर्म के साथ वो नहीं होता है, और इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करी जा सकती है. तो इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके हम बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट टर्म आएगा इस इक्वेशन में दिस विल बी इक्वल टू जीरो. ये जो डेरिवेशन है ये आपसे एक्सप्लिसिटली कोर्स में क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा, बट वी आर जस्ट डूइंग दिस डेरिवेशन सो दैट वी अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. सो डोंट वरी इफ थिंग्स आर गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड एंड इफ आपको लग रहा है कि ये बहुत ही मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ये डेरिवेशन आपसे करने को नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो देन यू आर लेफ्ट विद, hence it can be shown that this term 2 sigma yc minus y bar ei will be equal to 0. ye jo term hai ye zero ho gaya, to hamare paas equation mein kya bacha, hamare paas equation mein left hand side bachi hai jo ki ye demonstrate kar rahi hai summation y minus y bar whole square, aur right hand side pe hamare paas do terms bache. First term is summation yc minus y bar whole square plus summation ei square, this is summation ei square. तो हमारे पास ये दो टर्म्स यहाँ पे बचे. तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि टोटल वेरिएशन इन द वाई वेरिएबल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जो हमने विजुअली कल देखा था क्लास में, उसको आज हम बस मैथमेटिकली समझ रहे हैं. सो टोटल वेरिएशन इन द वाई variable is equal to the variation that is explained by the regression, that is yc minus y bar whole square, and unexplained variation which is the error term. ये ऐसा variation है y में जो error explain नहीं कर पाता है. So y observation का total variation इतना है, उसमें से regression equation इतना explain कर पा रही है, और 558 जो है वो error है जो कि regression equation explain नहीं कर पा रही है. ये जो वैल्यू है ये जितनी कम से कम होएगी हमारी रिग्रेशन की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कम है और सारा वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो डेटा पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फिट कर रही है. तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है ये जितना कम से कम हो उतना हमारी रिग्रेशन इक्वेशन के लिए ये अच्छा माना जाता है. In this example, so this is an example that is given to you, जहां पे हमने y values निकाली है. So this is the observed y values, ये original y values है, this is yi. Then in this column you have computed y values, ये fitted values है yc. आप देखो कि सारी fitted values अपनी observed values से कुछ different है, which is called as the error. तो जब यहाँ पे तीन कॉलम दिए हैं जो कि डिविएशंस के कॉलम हैं, पहला कॉलम है y माइनस वाई सी विच इज द एरर y i, दिस इज द फर्स्ट कॉलम y i माइनस वाई सी, दिस इज द एरर टर्म. देन इन द सेकेंड कॉलम यू हैव y c माइनस y बार, this is yc minus y bar which is the explained variation. yc minus y bar, remember ki fitted value or mean ka difference jo hai that is explained variation, and this is y minus y bar which is the total variation. to jo hame teen jo humne abhi pichle slide mein dekhe the teen values wo hame yahan se mile hain. yi minus y bar whole square is 1650. isko jab aap sum karoge, aapne har observation ke liye ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लिया फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. पहले आप वाई का मीन निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, इसका सम करोगे, डिवाइडेड बाय एन करोगे तो आपको वाई बार मिल जाएगा, और फिर आप हर ऑब्जर्वेशन के लिए वाई माइनस वाई बार कैलकुलेट कर रहे हो और उसको स्क्वायर कर रहे हो इस कॉलम में.
स्क्वायर का जो सम आएगा वो आपका यहाँ पे टोटल वेरिएशन बताएगा कि आपकी वाई वेरिएबल में टोटल वेरिएशन कितनी है. देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटेड वैल्यूज आपको पता है, आपने इस कंप्यूटेड वैल्यू का डिफरेंस निकाला है वाई बार से, विच इज दिस कॉलम. सो हर वाई सी को वाई बार से सब्ट्रैक्ट करें, आपने सबके आंसर्स लिखे, फिर आपने इसको फर्दर स्क्वायर करा है यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन. यहाँ पे आपने स्क्वायर करा, स्क्वायर करके जो सम आ रहा है 1091. इस कॉलम में क्या कर रहे हैं, एरर टर्म निकाल रहे हैं, विच इज वाई आई माइनस वाई सी. हर ऑब्जर्वेशन के लिए वाई आई माइनस वाई सी कैलकुलेट करा, वाई आई माइनस वाई सी का स्क्वायर करा जो कि यहां पर आ रहा है, और फिर इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम करा, आपको मिल जाएगा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन. और आप देखोगे फॉर ऑल द रिग्रेशन इक्वेशंस दैट दिस प्लस दिस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस एक्सप्लेन्ड वेरिएशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल वेरिएशन. वी आर वेरी क्लोज टू द आइडिया ऑफ कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और हम कोरिलेशन कोफिशियंट जिसे बोलते हैं, हम उसके काफी क्लोज आ गए हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिवाइडिंग द इंटायर इक्वेशन बाय समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. तो हमारी जो इंटायर इक्वेशन थी, जो थी ये इक्वेशन थी, मैंने क्या करा है, इस इक्वेशन को दोनों साइड समेशन वाई आई माइनस वाई बार से डिवाइड कर दिया है. क्या मिलेगा, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में और हमें आंसर मिलेगा 1. यहाँ पे क्या मिलेगा, समेशन वाई सी माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. ये पहला टर्म है, जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो आपको ये टर्म मिलेगा. देन समेशन ई आई स्क्वायर बाय समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर. नाउ वी आर सेइंग दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1, और यहीं से हम अपनी जो कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, विच इज आर स्क्वायर. आर स्क्वायर को हम बोल रहे हैं कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, विच इज इक्वल टू विच इज डिफाइंड एज द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय द टोटल वेरिएशन. जिसका मतलब है कि वाई ऑब्जर्वेशन के टोटल वेरिएशन में से कितना परसेंटेज ऐसा है जो कि एक्सप्लेन्ड है, विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन. Which is which term here? This is the term. इसका numerator देखोगे तो ये हमें क्या बताता है? Explained variation, summation yc minus y bar square explained variation है. और इसका denominator हमें बता रहा है total variation, which is summation y minus y bar square. तो ये जो fraction है, ये जो ratio है, ये हमें this is nothing but coefficient of determination, which is r square. So from this formula हम बोल सकते हैं that this is r square and hence r square is equal to 1 minus, हम इस टर्म को यहां पे ले जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, and we are saying that r square is equal to 1 minus summation e square divided by summation y minus y bar square. तो बेसिकली कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें क्या बताता है, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें बता रहा है कि हमारे जो रिग्रेशन इक्वेशन हमने फिट करा है उसमें हमारे y में जितना भी वेरिएंस है, जितना भी वेरिएशन है, उसका कितना परसेंटेज रिग्रेशन एक्सप्लेन कर पा रही है, ये हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है. ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर गिव्स अ मेजर ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ y लाइंग ऑन द लाइन, एंड ई आई स्क्वायर विच इज दिस टर्म, ये कहलाता है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. मतलब ऐसा वेरिएंस, ऐसा वेरिएशन वाई में जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या रिग्रेशन लाइन से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. इज द गुडनेस इट इज, हमने अगर आपको याद हो हमने ये जब डिस्कशन स्टार्ट करा था तो हमने इसको टाइटल दिया था मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. जिसका मतलब है कि ऐसा मेजर जो हमें बता रहा है कि हमारी रिग्रेशन लाइन कितने अच्छे से फिट हुई है, तो इसको हम कोफिशियंट ऑफ लीनियर कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोफिशियंट ऑफ लीनियर कोरिलेशन, एंड दैट कैन बी डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फ्रैक्शन. तो कोफिशियंट ऑफ लीनियर कोरिलेशन को हम बोलते हैं दैट इट इज आर. आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता है, तो वो यहां पे हमने लिखा हुआ है. और इसको फर्दर हमने
एक्स वाई के टर्म्स में लिखा है जो हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई. नोटिस दैट दीज एक्स एंड वाई आर डिविएशन फ्रॉम देयर मीन वैल्यूज. तो ये यहाँ पे जो स्मॉल एक्स है इसका मतलब है एक्चुअल एक्स वैल्यू डिवाइडेड सब्ट्रैक्टेड, यू आर सब्ट्रैक्टिंग मीन फ्रॉम हियर, मीन ऑफ एक्स. एंड सिमिलरली स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस वाई बार. तो ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो आपको फॉर्मूले में दिख रहे हैं दे कम फ्रॉम दीज डेफिनेशंस, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार एंड कैपिटल वाई माइनस वाई बार. सो द साइन ऑफ दिस कोफिशियंट विच इज कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये साइन आपको बताता है एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप, कि अगर एक्स और वाई पॉजिटिवली रिलेटेड है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर एक्स और वाई नेगेटिवली रिलेटेड है तो ये नेगेटिव होगा. और इस आर की जो वैल्यू है ये माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है. माइनस वन का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन सारा वेरिएंस एक्सप्लेन कर रही है और एक्स और वाई में नेगेटिव रिलेशनशिप है. प्लस वन का मतलब होगा कि एक्स और वाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और एक्स और वाई का वाई में जितना भी वेरियंस है वो एक्स से एक्सप्लेन हो रहा है. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन हो सकती है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो सकती है. आर की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी माइनस वन और प्लस वन के बीच में, और जितनी ज्यादा ये वैल्यू होती है चाहे वो माइनस के उसमें हो या प्लस के साइन में हो, जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उसका मतलब है कि एक्स और वाई का रिलेशनशिप उतना ज्यादा स्ट्रांग है. तो जो हमने बात करी थी कि रिग्रेशन हमें बताता है कि क्या रिलेशनशिप है और कोरिलेशन हमें बताता है कितना स्ट्रांग है, तो ये नंबर बेसिकली जो कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन का नंबर है ये आपको बताता है कि एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना स्ट्रांग है.